भारत को परंपराओं का देश कहा जाता है, जहां हर धर्म के लोग बड़े ही प्यार से रहते हैं। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर मकबरा ही क्यों ना हो, आपको जैसी चीजें भारत में देखने को मिलेंगी वैसी पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। आज हम इस वीडियो में आपको भारत में मौजूद सैकड़ों साल पुराने एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे, जहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विराजमान है, जहाँ पत्थर की कोई मूरत नहीं बल्कि जीवित भगवान मौजूद हैं, जिन्हें गर्मी लगती है, पसीना निकलता है और जिनके लिए पंखों की व्यवस्था भी की गई है, और इस मंदिर में स्थापित मूर्ति अपनी जगह बदलती रहती है। ये पूरी दुनिया में सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है, जिसका नाम भारत का एक एक नागरिक जानता है, लेकिन वहां तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को रहस्यमय और अद्भुत मंदिर के दर्शन करवाएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज हम भारत के जिस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, इस मंदिर का नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। नाम तो आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए इस मंदिर के अद्भुत रहस्यों के बारे में आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मंदिर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बना हुआ है। वैसे तो दक्षिण भारत में सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में वेंकटेश महाराज की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें श्री भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस मंदिर की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है, वो कोई इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां स्वयं भगवान विराजमान है। भले ही ये मूर्ति पत्थर की बनी हुई है, लेकिन जब आप इस दिव्य काली मूर्ति के दर्शन करेंगे तो आपको स्वयं इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये कोई आम मूर्ति नहीं है बल्कि जीवित भगवान है। यही वजह है कि मंदिर के पुजारी वेंकटेश भगवान की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाते हैं। उनका मानना है कि भगवान की ठुड्डी पर चोट लगी हुई है और चंदन का लेप लगाने से वो चोट सही हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस मूर्ति के सिर पर लगे हुए जो बाल हैं वो बिल्कुल असली हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1500 साल से भी ज्यादा समय में मौजूद इस मूर्ति के बाल आज भी वैसे ही साफ और मुलायम है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बाल कभी भी उलझते नहीं है। यहाँ पर आने वाले लोगों की जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो भगवान को अपने बालों की बलि चढ़ाते हैं। हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर अपने बालों को चढ़ाने के लिए आते हैं। इस मंदिर में बालों को दान करने की गजब परंपरा है। इस मंदिर में 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु हर रोज अपने बाल दान करते हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और पुजारियों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से हर वक्त समुद्र में उठी लहरों जैसी आवाज आती है। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हों, और अगर आप अपनी आंखें बंद करके एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप समुद्र की उठी लहरों के बीच में खड़े हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पर आकर मन्नत मांगने से भगवान उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर राजनेता तक यहाँ पर आकर भगवान वेंकटेश्वर से आशीर्वाद लेते हैं और गुप्त दान में रुपए सोना चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु किस हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्या अब तक आपको ये बात पता थी? अगर आपको इसकी जानकारी थी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जब कभी आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे तो आपको वहां मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी रखी दिखाई देगी। क्या आप यकीन करेंगे कि ये वही छड़ी है जिससे बचपन में तिरुपति बालाजी की माता जी ने उनकी पिटाई की थी और पिटाई की वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। यही कारण है कि आज तक उनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि घाव भर जाए, और अब ये परंपरा बन गई है। ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान तिरुपति जी की मूर्ति एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जब आप उस प्रतिमा के सामने दर्शन करेंगे तो ये आपको मूर्ति नहीं बल्कि जीवित भगवान जैसे प्रतीत होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान के आराम के लिए पूरे मंदिर का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बालाजी को बहुत ही गर्मी लगती है, जिसकी वजह से उनके शरीर पर पसीने की बूंदों को देखा जा सकता है। उनका माथा और पीठ
हमेशा पसीने की बूंदों से भीगा रहता है। मंदिर के पुजारी वक्त वक्त पर उनके शरीर से पसीने को पोंछते भी रहते हैं। जितना अनोखा ये मंदिर है उतने अनोखे ढंग से भगवान तिरुपति बालाजी का श्रृंगार भी किया जाता है। दरअसल भगवान की प्रतिमा को हर दिन नीचे से धोती और ऊपर से साड़ी से सजाया जाता है। पुजारियों का ये मानना है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है और इसी वजह से इस तरीके से श्रृंगार किया जाता है। वैसे तो भगवान तिरुपति बालाजी विष्णु भगवान का रूप है, लेकिन भगवान बालाजी के हृदय में माता लक्ष्मी विराजमान होती है और माता लक्ष्मी की मौजूदगी उस वक्त पता चलती है जब हर गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाया जाता है और उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन के लेप को वापिस से हटाया जाता है तब उनके हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी का स्वरूप नजर आता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ में तुलसी के पत्तों का बड़ा ही महत्व होता है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते से कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसी वजह से इस मंदिर में हर रोज तुलसी के पत्ते का चढ़ावा दिया जाता है। लेकिन जहां हर मंदिर में तुलसी के पत्ते को चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है, वहीं तिरुपति बालाजी के मंदिर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बालाजी के मंदिर में तुलसी के पत्ते को चढ़ाने के बाद मंदिर के प्रांगण में ही मौजूद एक कुएं में विसर्जित कर दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि किसी ने भी आज तक इस कुएं में झांक कर नहीं देखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हर रोज 3 लाख देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यहाँ के कारीगर 300 साल से भी ज्यादा पुराने तरीके से इन लड्डुओं को तैयार करते हैं। इन 3 लाख से भी ज्यादा लड्डुओं को तिरुपति बालाजी मंदिर की गुप्त रसोई में बनाया जाता है। इस रसोई को पुट्टू नाम से पुकारा जाता है। अब आपको एक अनोखी बात बताते हैं जो शायद आप में से कोई भी नहीं जानता होगा। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां पर बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। आपको बता दें यहां पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी को चढ़ावे के लिए फल फूल दूध दही और घी आदि सामग्री इसी गांव में बनती है और यहीं से आती है। यहां के लोग इतने तौर तरीके से रहते हैं कि वहां के पुरुष और महिलाएं सिले हुए कपड़े तक नहीं पहनते। इस गांव की पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए ही यहां पर बाहरी व्यक्तियों की एंट्री बैन की गई है। इस मंदिर की एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है। ये दीपक सैकड़ों सालों से लगातार जल रहा है जिसमें ना तो तेल है और ना ही घी। आखिर ये कैसे होता है, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। आपने कपूर का नाम तो सुना ही होगा। एक पचाई कपूर होता है जिसे किसी भी पत्थर पर यानी कि सामान्य पत्थर पर रख दिया जाए तो वो पत्थर अपने आप चटक जाता है। लेकिन जब भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर श्रृंगार के समय इस कपूर का लेप किया जाता है तो चटकना तो दूर, इस प्रतिमा पर उसका कोई असर नहीं होता। अब इसको कोई चमत्कार ही कहा जा सकता है। जब भी कभी आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाएं तो आप ध्यान से देखिएगा। जब आप बालाजी के गर्भगृह में देखेंगे तो आप पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित है, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर आकर मूर्ति को निहारेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थित है। दोस्तों, क्या आप कभी तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं गए हैं तो जल्दी ही जाने की प्लानिंग कर लीजिए, और कब जा रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।